सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ये वॉश मोटर है, इसे आज हम आपको खोलना और लगाना सिखाएंगे और असेंबल करना भी सिखाएंगे। ये वॉश टाइमर है, इसके नीचे वॉश मोटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेज जितने भी हैं ये सारे खोल लेने हैं जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। फिर ये बैक कवर खोल लेना है आपको, यहाँ पे पेज लगे होते हैं, ये खोलोगे ये हट जाएगा ऐसे खींचोगे तो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ड्रेन की रस्सी खोल लेनी है, ड्रेन की रस्सी खोलने के बाद ये ब्रेक सिस्टम जो है इसे भी खोलना होगा आपको। उसके बाद आपको ये बेल्ट उतारनी होगी वॉशिंग मशीन की, जो कि गियर बक्से के पास से थोड़ा नीचे करोगे तो ये उतर जाएगी घुमाओगे तो। ये वाला नट इसे खोलना होगा, जब ही ये बेस आपका अलग हो पाएगा फिर तसल्ली से आप इस मोटर को खोल सकते हो। नट बोल्ट खोल लिया है स्पिन मोटर में से। अब ये जो एरिया है ऊपर का और ये नीचे का आराम से अलग हो सकता है, अब इसे हम उठाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। ये उठाया, ये एरिया अलग हो चुका है, अब इसे जमीन पे लिटाल देंगे। अब ये हमारा बेस आ चुका है, ये बेस है। अब यहाँ पे जो आपको ये पेज दिख रहे हैं ये पेज खोल लेंगे, ये तीन पेज होते हैं एक एरा, ये तीनों पेज खोलने हैं। उससे पहले आपको ये वायरिंग जो दिख रही है इसकी, इस वायरिंग को यहाँ से काट लेना है। वायरिंग को काट कर निशान लगाने के लिए गांठ बांध लेंगे यहाँ पे। अब जो मोटर नया लाएंगे वो मोटर को कलर कोड के अकॉर्डिंग हम जोड़ देंगे इसके अंदर। सारे पेज खुल चुके हैं इसके, अब इसे हम यहाँ से उठाएंगे प्यार से, ये उड़ जाएगा, ये अलग हो चुका है बेस से। अब मैं आपको इसके ऊपर की पुल्ली खोलना सिखाऊंगा। मोटर में पुल्ली खोलने के लिए आपको एलन की ज़रूरत पड़ेगी, एलन की इस वाले होल में लगाना है, फिर खोलना है, ये पेज बाहर आ जाएगा। तो मैं खोल कर दिखाता हूँ। नंबर की एलन की ले लेनी है आपको, फिर इसे खोलना है, ये बहुत टाइट होता है, कभी कभी ऑयल की भी ज़रूरत पड़ती है। ये पुल्ली खोल कर हमने अलग कर ली है, ये मोटर ही लानी है आपको बाज़ार से, पुल्ली ज़्यादातर ठीक रहती हैं, ये पुल्ली ओके है, तो यही पुल्ली हम यूज़ करेंगे नए मोटर में भी। और ये पेज भी आपके पास रहना ज़रूरी है। नए मोटर में कैसे फिट करेंगे पुल्ली को, तो ये पुल्ली जो है ये मोटर का शापट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये होल मैच होना चाहिए, ये शापट है इसके अकॉर्डिंग। तो ये पुल्ली रखेंगे शापट के ऊपर और होल से मैच होना चाहिए। और ध्यान रखना है गैपिंग भी उतना ही देना है जितना पहले वाले मोटर में था, कभी ज़्यादा ऊपर नीचे कर दोगे आप तो भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, बेल्ट उतरने की प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे गियर बक्सा भी ख़राब हो सकता है, बैलेंस आउट हो जाएगा। ये जो पेज है इसे बहुत प्यार से लगाना होगा आपको, कसना होगा पुल्ली के अंदर, अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती टाइट करा तो पुल्ली का जो चूड़ियाँ हैं वो ख़राब हो जाएगी, फिर ये सही से टाइट नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में आपको ये पुल्ली ही चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए आराम से प्यार से तसल्ली से लगाएं। जो पेज हमने खोला था वो उसके तीनों कोनों पे वापसी कसेंगे। मोटर अब फिट हो चुका है फाइनल, सारे पेज लग चुके हैं। अब इसकी वायर जो हमने कट करा था कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसे जोड़ लेंगे हम।
आपको इसी तरीके से वायर जोड़ लेनी है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। फिर ये आपका फिट हो चुका है मोटर, ये बेस उठाकर अब वापसी आपको इसके ऊपर फिट कर देना है और सारे पेज लगा देने हैं। पिन मोटर का नट है, इसे पहले आपको कसना होगा इसके अंदर पुल्ली में। ये ड्रेन लगा लेनी है, ड्रेन की रस्सी जो है लाइन ऑन वाली, ये हो गया। ब्रेक शू लगाना है फिर आपको, ब्रेक सिस्टम वाला। बेल्ट चढ़ानी है फिर आपको ये मोटर की, ये बेल्ट चढ़ा दी हमने। अब हम प्लग में तार लगा के आपको चलाकर दिखाते हैं। बोर्ड में तार लगा दिया हमने, अब ये देखो हमने मशीन ऑन कर दी है, मशीन अच्छे से चल रही है।